अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। आज हमारा जो स्पेशल टॉपिक है वो मदर्स डे पे है जी। अल्लाह का शुक्र, वी ऑल आर गुड। मेरी सहेलियाँ भी हैं और सहेला हमारे पास, हमें टू फीमेल मेल गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है जिसमें आप भी और रिजी आरजे भी हैं। तो इब्रार साहब, मेरा आपसे सवाल है, हम जैसे बात करें माओ पे, मदर्स डे भी अभी रिसेंटली गुजरा है और वैसे मदर्स डे तो स्पेसिफिकली एक ही दिन नहीं है, रोज़ ही माओ का दिन होता है, तो आपने आप अपनी माँ को किस तरह से याद करते हैं, मदर्स डे को किस तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं सिंस वो अब नहीं है आपके साथ, तो कोई स्पेशल मेमोरी उनकी शेयर कीजिए। माँ जैसा रिश्ता नहीं है, आप जानते ही हैं, और ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, और उस वक्त ज्यादा एहसास, हर जैसे कहते हैं ना, विद एवरी पासिंग मोमेंट एंड एवरी पासिंग डे, हमें लगता है कि हमारा तारुफ होता जा रहा है और वो रिश्ता जो और बड़ा होता जा रहा है। यानी जब आप अपने बच्चों को देखते हैं, अपने बच्चों की माँ को देखते हैं, तो फिर और भी ज़्यादा बड़ा बड़ा हो जाता है। मैं अपनी वालदा के साथ रूम शेयर करता था, उनके उनका जो बाजू था वो मेरा तकिया हुआ करता था। मैं 8 सिबलिंग्स में सबसे छोटा था और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला, और जो दुआएं उन्होंने मेरे लिए की वो एक दुआ कबूल हुई। और कोई भी मसला होता था तो वो मसला नहीं लगता था, क्योंकि माँ थी ना। तो अर्ली चाइल्डहुड से लेके जब कभी रात में, तो वो बस माँ होती थी जिसमें जिसकी आगोश में जाके लगता था कि दुनिया की हर बला से हम महफूज हो गए हैं, और कोई इतना इतनी ज्यादा महफूज जगह पे चले गए कि इससे बड़ी जगह, महफूज जगह कोई हो नहीं सकती। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए तो लगा कि वल्नरेबल हैं, लेकिन अभी भी उनकी कब्र के पास जाके लगता है कि किसी बड़ी जगह पे आ गए हैं। तो क्या क्या बात करूं और क्या ना करूं, बस मेरी ये कोशिश होती है, मैं लोगों से बताऊं कि रिश्ते ये वाले जो है ना, माँ और बाप, ये बड़े मुख्तलिफ हैं। मतलब आप देखें ना, अल्लाह ताला ने भी रेफरेंस में माँ को ही रखा कि 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ, बाप का, बहन भाई का रेफरेंस किया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो मैं समझता हूँ कि उनको पे बैक करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। मतलब हम लोग प्रोग्राम्स तो करते हैं, अच्छी बात है उनको याद, मगर हमने उनके लिए क्या किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है जो अपने आप से पूछना चाहिए। इसलिए जब भी मेरे किसी दोस्त की माँ दुनिया से जाती है तो मैं कहता हूँ बेस्ट तरीका यह है कि उनके लिए सदका जारिया बना जाए। एक तो आपकी अच्छी डीड्स जो हैं वो कहते हैं अच्छा जारिया है, दूसरा आप उनके लिए कोई कुआं खुदवा दें, कोई ऐसा पानी का कूलर लगवा दें कहीं पे, इतनी जरूरत होती है। यानी हम इतना कमाते हैं सब, जितने भी लोग होते हैं, अगर हम कमी देखें, जितने लोग दुनिया से जाते हैं जो बहुत कमा चुके होते हैं, उनके बैंक अकाउंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज, ये वो अपने साथ कितना लेके जाते हैं या अपने वालिदैन को कितना दे के जाते हैं, बहुत ही छोटी परसेंटेज होती होगी शायद। तो जैसे अभी मेरा ये हॉस्पिटल है, ये इसके ऊपर वालिदैन का नाम लिखा है। मेरी इसमें सबसे मतलब फाइनेंशियली तो अगर दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो बहुत बड़ा लॉस किया मैंने, कि मैंने करोड़ों रुपया कमाया और उस अस्पताल पे लगा दिया, जमीन भी मैंने खुद खरीदी, तो दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ा लॉस है। लेकिन मैंने ये क्यों किया, उनकी मोहब्बत में कि अल्लाह इनको जन्नत देगा, उनके ऊपर मेरी ये जीत है कि उनके ऊपर नाम लिखा है मेरे वालिदैन का, सुगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स। तो मैं लोगों से ये कहूंगा, इन्हें रूम बनवा दिया, वार्ड बनवा दिया किसी भी हॉस्पिटल में, या उनके नाम पे कोई ऐसा काम, एक तो लोगों की भलाई तो होगी लेकिन अल्लाह राजी होगा और उनके लिए दर्जात उनके बुलंद होंगे। दूसरी बात, जो ये नहीं कर सकते, तो किसी ने फकीर से पूछा कि बाबा जी मेरे हाथ बहुत तंग है, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा 100 लोगों को खाना खिलाया करो रोजाना, तो तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा। वो बाहर आके बड़ा रोया, उसने कहा मेरे खुद को खाना मिलता, 100 लोग कहाँ से खाना खिलाऊं? तो उसने किसी सियाने से पूछा, उसने कहा कि चूंटियां होती है ना, उनकी बिल पे थोड़ा सा आटा डाल दिया करो, वो 100 खा लिया करेंगी, समझ लो कि 100 लोगों ने खाना खा लिया। तो यू नो, उसने वो अमल करना शुरू कर दिया। तो
सदका छोटे से छोटा भी हो सकता है, जरूरी नहीं अस्पताल बनाना, छोटे से छोटा भी आप दे दें। दूसरा अगर वो भी नहीं है ना तो दो नफल हम पढ़ सकते हैं उनके लिए। मैं मगरिब की नमाज में पढ़ता हूँ, और मैंने जब से ये टीवी पे एक दो दफा बताया बहुत सारे लोगों ने शुरू कर ली, जिसका मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे कई दफा मिलते हैं, वो कहते हैं हमने भी दो शुरू कर लिए। सो लेट्स सी कि इसके बाद कौन कौन मुझे कॉल करता है और बताता है कि हमने भी दो नफर शुरू कर लिए। और इसी तरह से बिल्कुल अब्रार, हमने सुना है कि आपकी जो वालदा थी वो आपको एक खास दुआ देती थी, तो उसके बाद शायद आपने कोई कलाम भी पढ़ा था उसके हवाले से, तो जरा आप हमारे साथ भी वो शेयर करें। हाँ, वो अम्मी की पंजाबी बहुत खूबसूरत थी। हम सब पे से सबसे अच्छी पंजाबी अम्मी बोलती थी। तो वो मुझे कहा करती थी, पुत्र तेनू अल्लाह अरशां दे रंग लाएगा, यू नो। बहुत सारी अल्फाज के तो हमें माने भी बहुत बाद में पता चले, तेनू तू फिक्र ना करी कदी, तेनू अल्लाह अरशां दे रंग लाएगा। तो मैंने वो एक जो कलाम लिखा था उसमें मैंने ये वाला पार्ट लिखा था। वो अगर आप चाहें तो मैं सुना दूं। जी जी प्लीज प्लीज सुनाइए, बल्कि आप पूरा कलाम सुनाइए। तेरे बाद दिल दा दस मैं किन्नू कां मां, तू चेते आणो हट दी ना मां, तू याद आणो हट दी ना, खैरा मंग दी रहीं दी सै तू, मेरे सिर दियां माए जावे पुत्रा तेनू अल्लाह अरशां दे रंग लाए, मेरी दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ तेरे नाम मां, तू चेते आणो हट दी ना मां, तू याद आणो हट दी ना। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा कलाम सुनाया आपने माशाल्लाह। इब्रार साहब, मुझे ये बताइए कि जब हम देखते हैं आजकल के जो बच्चे हैं अपनी माओ के साथ जो बदसलूकी करते हैं, उनको मारते हैं, हाथ तक उठाते हैं, तो आप उन बच्चों को जो वो औलादे हैं उनसे मुखातिब होकर उनको क्या कहेंगे, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? फौरन तौबा कर लें, तौबा, ये तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत बड़ी जहालत है, यानी वालदैन पे हाथ उठाना, ये मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये लोग कैसे कर सकते हैं। इनको आके इनको ये बताया जाए कि खुदा के लिए तुम शर्म करो, अपने वालदैन पे हाथ उठाना तो तुम तो इस दुनिया के ना आखिरत में, तो उनको दुनिया में ही इसका मुझे लगता है सिला मिल जाएगा। ये शदीद गुनाह, और उसके बाद आखिरत तो गई हाथ से, कुछ नहीं मिलना। ये तो मुझे समझ नहीं आ रही, इसका मैं जवाब क्या दूं? ये कोई सवाल आपने ऐसा कर, वैसे जिंदगी में किसी ने ऐसा सवाल नहीं किया। ब्रार साहब के जो लोग ये करते हैं उनको इतनी नफरत मिल, ये ना करें जिंदगी में, ये ना करें कभी वालदैन के ऊंचा नहीं बोलना आपने, तो आप हाथ उठाने की बात कैसे कर सकते हैं? तो उनको तो शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूं उनको इतनी नफरत मिल जाएगी पूरे मुआशरे से, कोई उनको मुंह नहीं लगाएगा जो अपने वालदैन के साथ बदसलूकी करते हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी कोई करे, और अगर कोई कर रहा है तो बड़ा ही बदकिस्मत शख्स है वो। वो अगर सुन रहा है तो अभी तौबा कर ले। मेरी उससे, मैं हाथ जोड़ के उससे कहता हूं कि वो प्लीज तुम अपनी जिंदगी और आखिरत दोनों बचा लो, फौरन माफी मांग लो जाके उनसे, पैर पकड़ के माफी मांग लो, रो रो के माफी मांगना, बगैर रोए भी ना माफी मांगना। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि वालदैन ने और बिलखसूस माँ ने तुम्हारे लिए क्या किया है, या तुम बच्चे हो या तुम पागल हो, मतलब कुछ ना कुछ है, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है अगर तुम ये कर रहे हो। ये यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन, राइट? तो इसलिए ये मुझे सवाल, सॉरी टू से,
मैंने तल्ख बातें कर दी लेकिन सवाल ही ऐसा था। नहीं नहीं आपने बिल्कुल ठीक बात की कि सवाल भी ऐसा था और सिचुएशन भी ऐसी जो आजकल हुई है। अल्लाह पाक उन सबको हिदायत दे जो अपनी माओ के साथ बदसलूकी करते हैं और इसी दुनिया में इनको हिदायत का रास्ता दिखाए ताकि जल्द से जल्द वो अपनी आखिरत भी संवार सके अपनी दुनिया भी संवार सके। जी इब्रार साहब मुझे ये बताइए कि जब मैं बात करती हूँ आपकी मदर की तो आपका उनके साथ आपका आखिरी टाइम उनके साथ कैसा गुजरा, वो वाकियात वो लम्हात कैसे गुजारे आपने, हमारे साथ भी शेयर कीजिए। मेरा बिल्लो दे घर हिट हो गया था गाना और मैं उस वक्त एचएसएन कॉलेज में पढ़ा रहा था। सुबह सुबह मुझे अम्मी उठाती थी कि जाओ बेटा उठो लेट हो रहे हो, दिल नहीं चाह रहा होता था, फिर वही अच्छा अम्मी 5 मिनट, अच्छा अम्मी 2 मिनट, अच्छा अम्मी 1 मिनट, तो वही वाला सारा नाश्ता तैयार हुआ होता था, आंखें बंद हो रही होती थी नाश्ता करके, क्योंकि आई डोंट नो मुझे रात में हमेशा से देर से नींद आती थी। तो वो उनका प्यार रिवायती प्यार चल रहा था और मुझे याद है अम्मी एक दो दुआएं किया करती थी कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मैं किसी की मोहताज ना बनूं, मैं एक पानी का ग्लास भी किसी से ना मांगूं, मैं बिस्तर पे हॉस्पिटल में इस तरह के मुझे बड़ी तकलीफ होगी, मैं नहीं इस तरह जाना चाहती, और एकदम से मेरी आसानी से जान निकल जाए और मैं रमजानुल मुबारक में चली जाऊँ। तो बड़ा उनकी, हम कहते थे आप क्या ऐसी फजूल बातें करती रहती हैं, हमारा दिल खराब होता है। तो कहा करती थी बेटा ये मौत तो बर हक है ना, जाना तो है ही, तो मैं इसलिए दुआ करती हूँ। तो फरवरी में रमजान आ गया, जनवरी में ही आ चुका था और मैं उसी तरह से एचएसएन जा रहा था उन दिनों में। तो अम्मी ने उसी तरह मुझे उठाया और वो सारा, तो मैं क्या मैं वापस आया और रोजा था, तो अम्मी फिर रोजा खोला हमने, तो अम्मी वॉशरूम से निकली तो स्लीव्स रोल डाउन कर रही थी, मेरा ख्याल बाजू करके आई थी, तो मैंने उनको बाजू से पकड़ा, उनका बाजू बड़ा क्यूट सा था, बड़ा जिस तरह तकिया होता है ना, तो उस तरह से मैं उसके साथ खेलता था और उसको मैं किस करता था। तो मैंने अम्मी को पकड़ा था तो मुझे कहती है मेरी तबीयत खराब है, मुझे तंग करते रहते हो, जाओ मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। तो एकदम से फोन की घंटी बजी, उस वक्त दूसरा फोन होता था ना घर में पीटीसीएल वाला, तो मैंने वो फोन उठाया तो अम्मी अपने रूम में चली गई। तो मैं 5 से 7 मिनट लगे होंगे मुझे, उसके बाद मैं रूम में गया तो अम्मी लेट चुकी थी, तो बड़ी स्टिल सी मुझे लग रही थी, मैंने कहा बड़ी खामोश सी है, और बचपन से जैसे आदत होती है ना इंसान देखता है कि पेट हिल रहा है या नहीं हिल रहा, तो पेट मुझे लगा नहीं हिल रहा, फिर मैंने कहा नहीं हिल रहा है। फिर मैंने चाबी उठाई, मैंने गाड़ी के कहीं बाहर जाना था मैंने, तो मैं दरवाजे से बाहर निकल गया, फिर मैं वापस अंदर आया, मैंने कहा बहुत स्टिल लग रही है, फिर मैंने देखा तो फिर मैं पास गया और फिर मैंने चेस्ट पे मैंने रखा कान, तो बड़ी तेज धड़कने की आवाज आ रही थी, वो मेरा अपना ही दिल था जिसकी आवाज मुझे आ रही थी, अम्मी का दिल नहीं धड़क रहा था। तो मैंने एकदम से रिसेसिटेट करने की कोशिश की और बार बार मैंने किया, लेकिन फिर मैंने महसूस किया, मैंने कहा वो तो जा चुकी हैं, जैसे कहती थी कि मैं पानी भी नहीं मांगूंगी और बड़ी आसानी से और रमजानुल मुबारक, तो सारी बातें पूरी हो गई। अच्छा ना मुझे उस वक्त रोना आ रहा, तो मुझे समझ ना आया, मैं पास ही बैठ गया तो मैंने दुरूशी पढ़ना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने अपने बहन भाइयों को साथ वाले कमरे से, मुझे याद है वो बहनें भी आई हुई थी और अम्मी ने उस दिन सारा दिन काम किया था, और बहन को एक स्पेशल बर्तन बनता है हमारे घर में दाल और पता नहीं क्या क्या देसी घी डाल के, तो बिकॉज शी हैड अ बेबी बॉय तो उनको ना स्पेशल वो ट्रीट हमारे घरों में दी जाती है बेटियों को, तो वो बना के उनको अम्मी ने ना बड़ी मेहनत से वो बनता है, तो वो खिलाया बनाया था। और उसके बाद वो सारे साथ वाले कमरे में खुश थे, आवाजें आ रही थी, मैंने सोचा कि मैं जब इनको न्यूज ब्रेक करूंगा तो इनका क्या हाल होगा। खैर मैंने जाके उनको बताया तो वालिद साहब भी आए तो चश्मा लगा के बार बार ऐसे देख रहे थे, तो मुझे उन पर बड़ा ही तरस आया और रोना नहीं आ रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आई कि क्या हुआ। तो खैर बहनों ने रोना शुरू किया तो मैंने कहा अपना दुरूद शरीफ पढ़ें, लेट्स नॉट क्राई,
मुझे याद है मेरी एक बहन है, सारी बड़ी नेक है, तो वो एक कहती है या अल्लाह, मैंने हमने आपके फैसले को कबूल कर लिया, आपने हम हमसे हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज छीन ली और ले ली, और लेकिन हमने आपके फैसले को कबूल किया, तो अब आप इनकी बख्शिश फरमा दो। फिर मुझे रोना आया उसके बाद, कि मैंने कहा इतना बड़ा हौसला है मेरी फैमिली का, फिर मैं वही छोटा बच्चा बन गया, 8वां बच्चा जो अम्मी के साथ सोता था आखिरी वक्त तक,